जो ऑयल लीक हो रहा था फोक ऑयल, वो ये पीएस कस्टम्स के जो हमने फोक राइजर लगाए थे ये इसके वजह से हो रहा था। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आपने देखा रहेगा बैकग्राउंड में हम फिर से आज गैराज पे हैं। गैराज पे आने की वजह ये है, यहाँ पे ये फोक ऑयल आ रहा है बाहर। तो परसों हम जब अलीबाग गए थे तभी हमने देखा कि फोक ऑयल बाहर लीक हो रहा है। तो पहले लगा कि मुझे ऑयल सील गया रहेगा, लेकिन बाद में ध्यान में आया तो पता चला ये ऑयल जो है ये ऊपर से आ रहा है। तो अभी हम लोग फोक खोल रहे हैं, फिर आपको बताते हैं एग्जैक्टली इशू क्या है। तो गाइस, ये जो ऑयल लीक हो रहा था फोक ऑयल, वो ये पीएस कस्टम्स के जो हमने फोक राइजर लगाए थे ये इसके वजह से हो रहा था। शायद से इसका ये ओरिंग है ये बराबर नहीं है, लेकिन अभी मैं चांस नहीं लेना चाहता, मैं ये निकाल रहा हूँ एंड आई एम फिटिंग दी ओरिजिनल कैप्स फोक्स पे। गाइस, आप सोचोगे कि मैं सिर्फ डायरेक्टली कैप्स क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल लीक हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 4 साल तो हो गए, तो फोक ऑयल मैं चेंज ही कर लेता हूँ। तो ये हमने यामा ल्यूब का फोक ऑयल लाया है, दिस इज़ 500 ml, और इसमें अराउंड 480 ml जाता है सिंगल फोक में। तो हमने 2 कैन लाए हैं, तो हम लोग ये अभी ऑयल चेंज करते हैं। तो गाइस, ये सब अभी हमने फ्रंट फोक को डिसमेंटल किया है और ये सब पार्ट्स है उसके। तो अभी ये जो काम जो चल रहा है ये डीग्रीसिंग का चल रहा है। बेसिकली क्या है, ये पेट्रोल है, पेट्रोल से ये साफ हो रहा है ताकि इसका पूरा रेसिड्यू निकले और फिर हम इसको नए ऑयल के साथ रिफिल करेंगे। गाइस, अभी फोक डीग्रीसिंग हो चुका है, अभी हम लोग इसमें ऑयल डालने वाले हैं। तो ये है 500 ml का कैन है और एक फोक में 480 ml जाता है। तो हमने क्या किया है, 20 ml का सिरिंज लाया। तो हम लोग ये काम करेंगे, ये 20 ml का सिरिंज है, तो इसमें से 20 ml निकालेंगे और बाकी का कंटेनर इसमें पूरा डाल देंगे। तो गाइस, अभी हमने ये 20 ml ऑयल निकाला है, अभी ये कैन हम पूरा एक पाइप में डाल देंगे और यही प्रक्रिया हम दूसरे पाइप के साथ भी करेंगे। गाइस, अभी हमने दूसरे कैन से भी 20 ml निकाला है, तो अभी ये 40 ml हम अगली बार जब भी फोक ऑयल चेंज करेंगे तो इसकी यूज करेंगे। तो अभी इसको हम लोग ड्रेन होने के लिए रख रहे हैं। तो गाइस, ये जो ऑयल है 480 ml टू बी प्रिसाइज, ये हमने एक एक पाइप में डाल दिया है और अभी ये जो है ना ये सेट कर रहा है उसको, फिर बाद में इसको इसका कैप लगा देते हैं। अभी ये फोक पाइप हमारे लग चुके हैं, तो अब इसका हम लोग सेटिंग करेंगे और ये व्हील का फिटिंग करेंगे। तो गाइस, गाड़ी रेडी हो चुकी है। तो हमने ये पीएस कस्टम्स के जो फोक राइजर लगाए थे उसको जो ओरिंग थी, शायद से ये ओरिंग का प्रॉब्लम है या तो ये थ्रेड्स का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑयल लीक हो रहा था। लेकिन ये दोनों में से लीक हो रहा है, दिक्कत ये है कि दोनों में से लीक हो रहा है। तो शायद से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है या तो फिर ओरिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमने ओरिजिनल कैप्स लगाए हैं एंड आई थिंक सो दैट शुड वर्क वेल। तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू चेंज दी ओरिजिनल कैप्स विथ एन एडिशनल फोक राइजर, दैट वुड वर्क इन योर फेवर। सो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ और गाड़ी का फोक का काम हो चुका है, ऑयल चेंज हो चुका है, पुराने जो ओरिजिनल फोक के कैप्स थे वो लग चुके हैं। तो मैं ये कंक्लूजन पे आया हूँ कि जो हमने ये पीएस कस्टम्स के फोक राइजर जो लगाए थे, अगर ये ओरिंग का इशू रहता था तो
तो किसी एक का रहता था, लेकिन दोनों फोक में से ऑयल लीक हो रहा था। इसका मतलब है ये फोक राइजर का इशू है। तो मैं ये कंक्लूजन पे आया हूँ कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम फिर से मिलते हैं एक नए जर्नी पे, तब तक के लिए गुड बाय।